Assalamualaikum everyone and welcome back to Imad Legends. This is me, your favorite YouTuber Mohammed Imad. तो यार आज का जो गेम प्ले है वो है PUBG मोबाइल लाइट पे. फ्री फायर खेल खेल के यार हम बोर हो गए थे. मैंने कहा यार अब गेम प्ले बनाना है लेकिन फ्री फायर का नहीं बनाना, तो किसका बनाए. फिर मैंने PUBG डाउनलोड की, एक दो टीडियो मैचेस खेले, क्लासिक खेले, लेकिन मुझे टीडियो में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया. तो मैंने कहा यार चलो आज गेम प्ले बनेगा PUBG मोबाइल लाइट का टीडियो मैच. यहाँ पे M416 ने पहले से दे दिया, यहाँ पे Kar98 है, लेकिन हमने वो नहीं उठानी. हम उठा रहे हैं यहाँ से S1 SK2, जो कि शॉट गन है. नाइस शॉट गन है. Kar98 में मैं चलाता हूँ ऐसे, लेकिन मुझे ये S12 के शॉट गन ज़्यादा अच्छे लगते हैं. मैं चेक किया इसका डैमेज कितना है. यार ये तो अपनी लेजेंडरी गन है M416 है. इसके समझो यार ये बंदा सामने आए हाय हेड शॉट मारने आज, और हमारा टारगेट कि भाई 10+ किल्स करने ही करने हैं. और ब्लू टीम ने तो भाई जीतना ही जीतना, ये आपके भाई का आपसे वादा है, क्योंकि आपका भाई पबजी का भी प्रो प्लेयर है, आपका भाई फ्री फायर का भी प्रो प्लेयर है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैच हो गया स्टार्ट. यहाँ से हम निकालते हैं यार अपना ग्रेनेड और फेंकते हैं किसी के टेंडे में, तो जाके बजेगा ही बजेगा. और मैं फ्लैश ग्रेनेड भी निकाल लेते हैं जब भी फेंक देते हैं हाई टॉस करके. और यहाँ पे मैं फिलहाल ऊपर चढ़ गया, थोड़ा सा कवर लेते हैं, हम चलते हैं आगे. M416 मैंने अपने हाथ में निकाल लिया और अब देखते हैं ये पहला ये बंदा आया नज़र और कहाँ गया. ये हुआ, हमने इसको डैमेज दिया और ये आपको एक फर्स्ट किल विद M416. यहाँ पे एक और बंदा है, इसको भी हमने डैमेज दिया M416 से, लेकिन ये हमारे हाथ नहीं लगा. तो हमने शॉट गन निकाली और हेड शॉट मारा और सेकंड के लिए आपके भाई का. यानी कि दो टीम हुए हैं ब्लू टीम के, दोनों ही आपके भाई के किल हैं. तो आपका भाई देख सकते हो यार फिर कितना ज़्यादा ही प्रो प्लेयर है. और यहाँ पे मैं चढ़ गया हूँ फिलहाल इसके ऊपर. यहाँ पे बंदा है, मैं साथ ही नीचे उतर गया, चूँकि मेरे तुम लोगों ने हेल्थ देख के डाउन हो गया बहुत ज़्यादा. पहले यहाँ पर थोड़ा सा कवर ले लेते हैं ताकि हमारी हेल्थ रीफिल हो जाए दोबारा से, और फिर मैं इसको बताऊँ कि भाई तुमने किसको मारने की कोशिश की है. यहाँ से यार ऐसा करते हैं ऊपर चढ़ जाते हैं. चढ़ भाई, ओए पीछे से कोई बंदा आ गया. शूट, तो यार पीछे से बंदा आ गया, इसने मुझे मार दिया, मेरी पहली डेथ हुई है. कोई मसला नहीं है, ग्रेनेड भी निकाल दें, बट टीडीएम के जो वेयर हाउस है इसके अंदर फेंक दिए. ये बंदा है यहाँ पे, इसको तो ये आया M416 का डैमेज. और 3 किल्स आपके भाई के, 4 किल्स हैं और 3 किल्स आपके भाई के हैं उसमें से, और 1 किल किसी और ने किया है. तो आपको भाई भी प्रो प्लेयर बन गया, पबजी का नहीं बना है. और ये आपके भाई के 4 किल्स, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आपको भाई सही प्रो प्लेयर है. लेकिन रेड टीम हमसे आगे निकल गया, उन्होंने 7 किल्स कर ली हैं और 8 किल्स हो गए हैं रेड टीम के, और हमारे 7 किल्स हो गए हैं. तो यार ये यार इसको बहुत गंदा मारना था, लेकिन ये साथ ही पीछे हो गया. कोई मसला है ही नहीं. ये जो ऊपर यहाँ पे ऊपर बंदा चढ़ा हुआ, तुम लोगों ने देखा होगा, इसको भी मारते हैं ज़रा पकड़ के. यहाँ पे मैं फ्लैश फ्रीज निकाल लूँ पहले. ओए ओए यार डैमेज दे रहा है. मैं इसका तो मरूंगा, क्योंकि मेरे पास अब कोई ना वो नहीं है, कोई जगह नहीं है बचने के लिए. अब यहाँ पर इससे ग्रेनेड फेंका है और ये मैं गया, डाउन हुआ. नहीं बच गया, शुक्र है बच गया. और ये आपके भाई ने इसको M416 का डैमेज के साथ 5 किल्स हो गए आपके भाई के. लेट्स गो यार, आपका भाई सही प्रो प्लेयर बन गया पबजी का. तो यहाँ पे पीछे हमारे वेयर हाउस वाली जगह पे लगता है बहुत बंदे हैं. यहाँ पे शायद बंदे घुसे हुए हैं, देखते हैं. नहीं यहाँ पे बंदा तो कोई भी है, पता नहीं ये लोग इधर सारे घूम रहे हैं. लेट्स गो आगे चलते हैं. ये बंदा नजर आया, शॉट गन का डैमेज दिया लेकिन नहीं मरा वो. और ज़रा पीछे कवर ले लेते हैं, चूँकि हेल्थ हमारी डाउन हो गई है. और M416 निकाल के आपका भाई चलता हुआ आगे. स्कोप M416 का हमने नहीं खोला, बल्कि आपका भाई M416 पकड़ के आगे जा रहा है ऊपर चढ़े. और ऊपर चढ़ के हमें कोई बंदा नहीं नजर आया, तो हमें कुछ समझ नहीं आई कि हम क्या करें. वेस्ट पहन लेते हैं, हम ऊपर वेस्ट पर गया, एक वेस्ट पहन लेते हैं और नीचे उतर जाते हैं. अब हम चूँकि ऊपर तो कोई बंदा है ही नहीं, तो ऊपर चढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. और 12 किल्स हो गए आपकी भाई की टीम के. और ओए यहाँ पे बंदा आया. मैं गया. शुट यार, सेकंड डेथ आपकी भाई की हो गई है. लेकिन कोई नहीं, 5 किल्स भी हैं हमारे, अच्छे खासे किल्स हैं. ग्रेनेड फेंक देते हैं आगे और अब चलते हैं M416 ले कर सीधा आ गए. अब देखना आपके भाई ने किल निकालना है. ये इसको पड़ा नहीं हुआ और ये हेडशॉट के साथ 6 किल्स हो गए आपके भाई के. आपके भाई का ही स्वैग है, 16 किल्स हमारी टीम के, उनकी टीम के 13 किल्स. यहाँ पे हेलमेट लेवल 3 पड़ा है, इसको पहन लेते हैं ताकि अगर हमें कोई हेडशॉट मारे तो हम इतनी साइंस से डाउन ना हो पाए. ओए मैं मर जूँगा. रीलोड बहुत गलत टाइम पर लग गई थी. आगे चलते हैं, यहाँ पर बंदा था तो ये है वो बंदा. अच्छा वो उधर पहुँच गया, कोई मसला ही नहीं. हम इधर से आते हैं लेकिन वो बंदा कहीं और चला गया है, तो उसको छोड़ते हैं. और ऐसे करते हैं कि वेयर हाउस वाली जगह पे चल के वहाँ पे बंदे मारते हैं. लोग बहुत चौड़े हो रहे हैं ना आज, इनके वेयर हाउस में घुस के बंदे मारूंगा.
ये अच्छा वो बंदा तो यार वैसे गायब हो गया, उसके पीछे जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, इनके वेयर हाउस में चलते हैं। वेयर हाउस में चल के भाई बंदे मारेंगे आज इनके, ये लोग हमें हल्के में लेते हैं, बंदा ही नहीं है कोई वेयर हाउस में इनके, कहाँ है बंदे भाई। अच्छा वो आया बंदा, ये भी आया एक बंदा, ये यार बाहर निकल गए यार M416 का डैमेज, और ये हमारे हाथों भाग गए बिकॉज हमारी गन रीलोड पे लग गई और इसको हमने दिया हेडशॉट इसके ही वेयर हाउस में। बदमाशियों भी मात लेटर दे ना लैत नहीं ना होता फिर, और यार हम घुस गए इनके वेयर हाउस में और एक और बंदा नज़र आया और इसको आपके भाई ने मार दिया विद 8 kills। लेट्स गो, आज तो भैया हमारा विनर है भाई, हमने विनर विन कर लेनी है गेम। एक और बंदा आया मेरे हाथ में फ्लैश फ्रीज है, मैंने फ्लैश फ्रीज फेंका और यहाँ से रन किया बिकॉज हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी। यहाँ पे एक और बंदा आ गया, मुझे समझ आई मैं क्या करूँ, भागो 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 भागो, लेकिन शायद वो मुझे डाउन कर पाए, लेकिन नहीं मैं बच गया। याहू, शुक्र है आपको ये बच गया है। अपनी शॉटगन रीलोड कर लेते हैं, और M416 तो हमारी रीलोड है ही है, शॉटगन की नहीं हमारी रीलोड है, चलो कुछ नहीं होता, अब रीलोड कर लेते हैं और अब चलते हैं आगे। कहाँ है बंदा, कहाँ है, चलते हैं इनकी फिर से वेयर हाउस वाली जगह पर, वहाँ पर बंदे मार के आते हैं, ठीक है। वेयर हाउस में घुस के बंदे मारने का अपना ही मजा। ये देखो ओए, इसके पास M249 थी जिसकी वजह से इसने मुझे मारा है, इसका नाम याद कर लेते हैं। इसको तो कुत्ते इतना ज़्यादा गंदा मारेंगे कि याद ही रखेगा, सोचेगा कि यार एक बंदा था ही मात लेजेंड करके, उसने कुछ ज़्यादा ही गंदा मार दिया। इसी के साथ हमारे 9 kills हो गए, और मुझे लगा कि RPG चला रहा है, कॉर्नर चला रहा था, उसकी ना कुछ शेप इससे ऐसी आ रही थी, मुझे लगा वो RPG चला रहा है। और एक और बंदा यहाँ पे हमें नज़र आया, लेकिन इसको हमारे टीममेट ने मार दिया विद M762, और यहाँ पे हमें किसी ने डैमेज दिया बहुत गंदा, और आगे से फिर से वही M249 वाला बंदा है जिसने हमें डाउन किया, और इस बंदे ने हमें 2 मरतबा मारा है। तो अब आपके भाई को फुल गुस्सा आ गया, और अब हमने इसको नहीं छोड़ना, अपना ग्रेनेड निकाल के आगे फेंक देते हैं सबसे पहले कि अगर बंदा आए तो इसको ग्रेनेड का ही वही डैमेज मिल जाए। और अब हम जरा अपनी M41 को रिलोड कर लेते हैं और चलते हैं आगे, बल्कि शॉर्ट गन से इसको मारेंगे, शॉर्ट गन से गंदी वाली मौत देंगे इस बंदे को। कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो एक तो ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है जिसको कोई होश ही नहीं है, इसको आपके भाई ने मार दिया, और आपके भाई ने फिर से उसने M249 वाले ने आपके भाई को मार दिया। M249 वाला लगता है कुछ ज़्यादा ही गंदा प्लेयर है, लेकिन ये समझ ये भी जानता नहीं है कि हम कौन हैं, ये समझते हैं हमको ये अभी छोटे छोटे गेमर हैं, इसको नहीं पता हम यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं। इस बात पर सब्सक्राइब जाके कर दो, 11 kills हो चुके हैं आपके भाई के, और अभी 10 kills आते हैं, साथ ही हमारी टीम ने फिर वही विन कर लेना है। और इसको हमने दिया स्प्रे विद हेडशॉट और 12 kills, और ये कौन सा बंदा है भाई, ये कहाँ भागी जा रहा है, एक जगह रुक। ओ भाई 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 शिट यार, हमें M416 वाले ने मारा, और ये रेड वाला बंदा आया था ना इसने हमें मारा है, लेकिन इससे पहले मारा भी नहीं मारा, ये है वो M249 ने मारा, तो यार इसको तो एक मतलब मारना ही मारना है। हमारी M416 रीलोड है, चलते हैं आगे। ये यार ये है वो रेड वाला बंदा, ये है वो रेड बंदा, ओए ये क्या कर दिया, शॉटगन निकाल ली आपके भाई ने, और फाइनली हमने इसको S1 SK2 के साथ मार ही दिया, बहुत शोखा आया था ना ये, हमने भी इसको मार दिया। और 5 kills लेफ्ट है हमारे ब्लू टीम के, ब्लू टीम आपके भाई की है, और ये फिर से देखो यहाँ से निकल के बंदे आ रहे हैं, हमारी रीलोड गन गलत टाइम पर लग गई, बट टेंशन नहीं टेंशन है बिकॉज इसने मुझे P90 से डाउन कर दिया, लेकिन टेंशन नहीं है, उनके 28 kills है, हमारे 36 kills है, यानी कि कोई 6 kills का डिफरेंस है, तो विन तो हमारा ही है, मैच इजी विन है। लेट्स गो, चलते हैं अंदर। बंदा कहाँ है, दिखाओ बंदा, मुझे किसी ने डैमेज दिया है, ये है वो बंदा, इधर आओ ना ज़रा तुम। ओए ओए ओए, अच्छा शुक्र है मैं बच गया, क्योंकि एक बंदा मेरी टीम मेट ने डाउन किया और एक मैंने डाउन किया, 14 kills। और आखिरी भाई आखिरी 40 वाला किल आपके भाई ने करना है, आपके भाई ने बता दिया 39 kills हो गए, आखिरी किल का है मुझे बता दो मैं कर लूँ। और ये फाइनली आपके भाई ने हेडशॉट मार के M416 के साथ 15 kills के साथ आखिरी बंदे को मारा है, और विक्ट्री की है आपके भाई ने। और इसने कितने किल्स किए हैं, 16 kills इसने किया, और डेथ इसकी 10 है, और हमारी डेथ 9 है, और हमारे 14 हमारे 15 kills हैं, उसके 16 kills हैं, हमारे जो किल्स हैं वो 16, उसके 16 है हमारे 15 है, तो यानी कि बस एक किल का डिफरेंस है आपके भाई का उसके अंदर। बाकी गेम प्ले तुम लोगों ने चेक किया है, आपके भाई ने कितना हैवी किस्म का बना दिया पबजी मोबाइल लाइट का। अगर तुम लोगों ने इस तरह के और मज़ेदार गेम प्ले देखने हैं तो डू सब्सक्राइब। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय, और सब्सक्राइब लाजमी है बिकॉज बड़े दिनों के बाद पहले तो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब यार।